आज हम सीखने वाले हैं भील आर्ट पेंटिंग, ट्राइबल आर्ट पेंटिंग, जो बड़ा ही फेमस है। वाटर कलर, पोस्टर कलर में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, साथ में पॉइंट वाले ब्रश, व्हाइट पेन, ब्लैक मार्कर या हमारे पास जो भी ब्लैक पेन है उसका भी यूज हम कर सकते हैं। करना है तो, नहीं तो हम इन पेन का यूज नहीं करेंगे, कलर से ही करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम एक बड़ा सा पेड़ ड्रॉ करेंगे, नीचे से ड्रॉ करते हुए ऊपर की ओर। और ये जो पेड़ है ये रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी स्थान विशेष की कला को जानना है तो आप भील कला को देखिए। यह कला हमें भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान क्षेत्र में देखी जा सकती है। भील आदिवासी जो कला है वह उनके गांव के घरों की मिट्टी के दीवारों पर सजाई जाती है। नीम की लकड़ियां और अन्य टहनियों से सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फूल, पत्ती, हरी सब्जियां, आटा, हल्दी और उसमें तेल मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेड़ ड्रॉ कर लिया है और पेड़ बनाने के बाद उसमें इस टाइप से हम डिजाइन बनाते हैं। बर्ड बैठे ऐसा हम बनाने वाले। बर्ड का जो डिजाइन होगा वो रियलिस्टिक बर्ड नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। मन चाहा डिजाइन हम बर्ड का बना सकते हैं। इस पेड़ के ऊपर हम 5-6 बर्ड बना लेंगे, साथ में कुछ फल भी ड्रॉ करने वाले है पेड़ के ऊपर, जो कि फल खा रहे हैं। यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ कर लेने का है। ये बर्ड ड्रॉ हो जाने के बाद कुछ लीफ ड्रॉ करना है, तो लीफ का आकार डिजाइन भी हम हमारे मनपसंद बना सकते हैं। यहाँ पर एक घोंसला है, उसके अंदर अंडे है, अंडों के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, ऐसा हम यहाँ पे ड्राइंग बना लेंगे। हेडलाइट ड्रॉ कर लेने का है। यहाँ पर हम एक टाइगर ड्रॉ करेंगे। टाइगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है इसलिए उसके इस टाइप से ड्राइंग करना है। यहाँ पर उसका फेस बनाएंगे, आँख बनाएंगे, यहाँ पे उसकी मूंछें ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम उसकी बॉडी बनाते हैं। इस टाइप से ड्रॉ कर लेने का है। लाइट ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें और भी कोई एनिमल ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते। प्राकृतिक सीन है, जंगल वाला सीन है, ऐसा हम दिखाने वाले। ड्रॉ हो जाने के बाद उसकी पूंछ के ऊपर भी एक बर्ड बैठा है, ऐसा ड्राइंग बना लेंगे। पेड़ और टाइगर हो जाने के बाद पंछी भी बन गए। अब यहाँ पर हम पेड़ की पत्तियां बनाएंगे, तो पत्तियों का डिजाइन या पत्ती का पैटर्न हम हमारे हिसाब से भी हम बना सकते हैं। इस टाइप से पूरे पेड़ के ऊपर पत्तियां बन गई है। अब कुछ फल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फल नीचे गिर रहा है, ऐसा भी ड्राइंग बना लेंगे पेड़ से। अब ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर वाटर कलर या पोस्टर कलर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बर्ड में कलरिंग करेंगे। बर्ड में कलरिंग करते समय कलरफुल बर्ड बनाने वाले हैं और वाटर कलर का यूज करें, लाइट कलर भरना है। ये कलर सूखने के बाद लाइट इफेक्ट हो जाता है, फिर इसके ऊपर हम डार्क कलर से डॉट करने वाले। पूरे बर्ड हो जाने के बाद इसे ड्राई होने देना है, फिर यहाँ पर हम लाइट ग्रीन शेड और डार्क ग्रीन शेड, ऐसे दो टाइप के पैटर्न में कलरिंग करने वाले हैं लीफ के लिए। इन्हें भी ड्राई होने देने का है, फिर दूसरी वाली लीफ में थोड़ा सा डार्क शेड। यहाँ पर हम जो ब्रश है 5-6 नंबर का ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 नंबर का ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। अब लीफ का भी कलर हो गया है। अब यहाँ पे हम जो बर्ड है उसको थोड़े से अलग अलग कलर फॉर्म में बनाते हैं।
भील आर्ट कला में चमकीले रंगों से भरे रोजमर्रा के पात्रों की बड़ी जीवन रहित आकृतियां होती है और बड़ी ही सहज होती है। तो उसी टाइप से हमें कलर बनाने हैं, लाइट लाइट भर लेने का है। यहाँ पर हम टाइगर को भी कलरिंग कर लेंगे, क्रोम येलो शेड है, उसके बाद उसके फेस में ऑरेंज शेड भर देंगे, उसे ड्राई होने देंगे। ये ड्राई हो जाएगा तब तक हम पेड़ की जो ब्रांच है उसमें कलरिंग करेंगे। पेड़ की ब्रांच के लिए हम येलो ऑकर शेड और ब्राउन शेड, यहाँ पर हम कलरफुल पेड़ भी बना सकते हैं। यदि हमें यहाँ पे ब्लू शेड का यूज़ करना है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो हमारे मन चाहे कलर हम इस ब्रांच में भर सकते हैं। इसी टाइप से हम पार्ट पार्ट में पहले येलो का ऑकर शेड कर लिया, उसे ड्राई होने दे रहे, फिर ब्राउन शेड करते हैं एक एक पार्ट। इसके बाद ये जब सूख जाए तो यहाँ पर हम वाइट पेन, ब्लैक पेन से डॉट बना सकते हैं, नहीं तो हम ब्रश का ही यूज़ करने वाले हैं। अब ये हमारा पूरा ड्राई हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पे पर्पल शेड में जो घोंसला है उसमें कलरिंग कर लेंगे और अंडे के पार्ट को वैसे ही रहने देंगे। येलो ऑकर और ब्राउन हो जाने के बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम ब्रंट अम्बर शेड जो थोड़ा सा डार्क है उससे इस टाइप से कलरिंग कर लेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा पेंटिंग ड्राई होने देने का है वाटर कलर को अच्छे से, और बीच में ब्लैक कलर भर देंगे। पूरा हो जाने के बाद ये पेन है, इनसे हम डॉट बना सकते हैं, नहीं तो हम ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो बॉडी है बॉडी के ऊपर ऑरेंज शेड से डॉट बना लेंगे। भील जो कला है वो डॉट पेंटिंग के लिए ही फेमस है और लाइन से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है, तो कहीं पे भी कोई भी डॉट हम बना सकते हैं हमारे मनपसंद। भील आर्ट कला का श्रेय झेर की भूरी बाई को जाता है जो कि बड़ी ही फेमस आर्टिस्ट है। ब्लैक कलर से हम उनकी आंख और मूंछ बना लेंगे। ये हो जाने के बाद जो पेड़ है उसके ऊपर हम डॉट से डिजाइन बनाएंगे। इस टाइप से डॉट डॉट करना है। यहाँ पर हम पेन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ब्रश से भी कर सकते हैं। जो लाइट शेड है उसके ऊपर डार्क डॉट बनाना है। जो डॉट है वो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन के भी हम बना सकते हैं, कलरफुल डॉट भी बना सकते हैं। डॉट के अलावा यहाँ पर हम लाइंस भी बना सकते हैं। तो पूरे हमने डॉट डॉट बना लिए, जो बर्ड है पंछी है उसके ऊपर भी डॉट डॉट डिजाइन बनाएंगे। पहले लाइट शेड है उसके ऊपर डार्क कलर के डॉट डॉट। फल में भी उसी टाइप से हम डॉट डॉट का ही डिज़ाइन बना लेंगे, और जो लीफ है उसमें हम पेन का यूज़ करके लाइंस बना लेंगे, क्योंकि लाइंस और डॉट के लिए ही व्हील आर्ट फेमस है। इस टाइप से हम एक सुंदर सा व्हील आर्ट पेंटिंग बना सकते हैं। आपको पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।